Assalamu alaikum class. How are you, grade 4? Okay, grade 4, today we are going to do exercise on page number 7, that is comprehension. What is comprehension? Comprehension means you have to read a paragraph and you have to find out the answers from this paragraph. Okay, let's read with me. The hidden treasure. An old farmer who was seriously ill called his three idle sons, idle jo kaam nahi karte, bekar, to impart to them an important secret. My sons, said he, a great treasure is hidden by me in the farms. I am about to leave you. He stopped. एक जो बूढ़ा फार्मर था उसके तीन बेटे थे और उसने उनको कहा कि मैं एक सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जमीन में छुपा हुआ जो कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ. Where is it hidden? exclaimed the three sons in one breath. तीनों बेटों ने एकदम से, obviously किसी को भी खजाना मिलता तो वो एक्साइटेड हो जाता है ना, तो वो तीनों बेटे जो थे वो भी बड़े खुश हो गए और उन्होंने अपने फादर से पूछा कि वो खजाना कहाँ छुपा हुआ है. आई एम अबाउट टू टेल यू, सेड द ओल्ड मैन, यू विल हैव टू डिग फॉर इट. देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको क्या होगा, जो लैंड है या जमीन है उसको खोदना पड़ेगा. बट हिज ब्रेथ फेल्ड हिम एंड ही डाइड बिफोर ही कुड रिवील द सीक्रेट. इससे पहले कि वो कुछ बताता अपने बेटों को उसकी डेथ हो गई. Immediately, the three sons set to work with spades in the neglected fields. उसके बाद क्या हुआ, जो तीनों बेटे थे, spades कहते हैं tools को जो कि जमीन में use होते हैं harvesting के लिए. Neglected fields, उन fields में पहले कोई काम नहीं होता था, उन पे काम करना start किया. They dug hard but found no treasure. But they learned to work. क्या हुआ, उन्होंने जमीन खोदी, दिन रात मेहनत की. उनके जहन में था कि कोई खजाना उन्हें मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना जो है वो नहीं मिला. लेकिन उन्होंने क्या सीखा, हार्ड वर्क करना. नेक्स्ट ईयर द फील्ड्स वर सोन एंड द सन्स गैदर्ड अ मार्वलस हार्वेस्ट. नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो फील्ड्स थी उन्होंने बहुत अच्छी, उनसे प्रोडक्शन हुई, जो भी वो फसल उन्होंने लगाई उससे बहुत ज्यादा उन्हें हार्वेस्ट, यानी वो इकट्ठा हो गया, मार्वलस हार्वेस्ट इकट्ठा हुआ. देन दे डिस्कवर्ड व्हाट द ट्रेयर हिडन इन द फील्ड वॉज. उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि कौन सा ऐसा खजाना था जो कि जमीन में छुपा हुआ था. आप क्या सोचते हैं, कौन सा ऐसा खजाना था, विच देयर वाइज ओल्ड फादर हैड इंडिकेटेड टू देम, जो कि उनके बाप ने उसको इंडिकेट किया था कि ऐसा कौन सा खजाना है जो कि जमीन में छुपा हुआ है जिसको वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अब स्टोरी समझ में आ गई, अब हमने क्या करना है, इसके क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करना है. इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको अंडरलाइन कर लें. कोई भी रीडिंग करते हुए कोई ऐसी बात है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी है, यू कैन अंडरलाइन दैट. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू टेल दैट द थ्री सन्स हैड नॉट वर्कड इन देयर फील्ड्स बिफोर. ऐसी कौन सी चीज थी जिससे आपको यह अंदाजा हुआ कि फील्ड्स में पहले बिल्कुल काम नहीं हुआ हुआ था. हमने स्टोरी में पढ़ा जब उसने कहा कि निग्लेक्टेड फील्ड्स की तरफ जो है वो अटेंशन देना शुरू की, तो निग्लेक्टेड फील्ड का जो वर्ड था, वर्ड की वजह से, निग्लेक्टेड फील्ड के वर्ड की वजह से आइडेंटिफाई होगा कि पहले उन फील्ड्स की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी गई. तो व्हाट वी विल राइट, बिकॉज द स्टोरी डिस्क्राइब द फील्ड्स एज निग्लेक्टेड फील्ड्स, बिकॉज स्टोरी में मेंशन किया गया कि वो फील्ड्स जो थी निग्लेक्टेड थी, पहले उन पे कोई भी काम नहीं हुआ हुआ था. नेक्स्ट, व्हाट मेड द हार्वेस्ट मार्वलस, फसलें या जो हार्वेस्ट है वो किस तरह से उसने अपना बेहतरीन काम दिखाया, वो मार्वलस कैसे हुई. द हार्डवर्क मेड द हार्वेस्ट मार्वलस, हार्डवर्क ऑफ द थ्री ब्रदर्स, उन तीनों भाइयों ने दिन रात उसमें मेहनत की और जमीन को खोदा, दिन रात मेहनत की, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ. नेक्स्ट, विच कंसील्ड ट्रेयर डिड दे फाइनली फाइंड, विच कंसील्ड ट्रेयर, कौन सा छुपा हुआ खजाना उन्हें मिला, ऐसा कौन सा छुपा हुआ खजाना था जो उसमें मिला. इसमें आप कुछ भी कह सकते हो कि उन्हें जो एक वो गैदर्ड अ मार्वलस हार्वेस्ट, उन्होंने एक जो शानदार फसल थी वो उन्हें हासिल हुई, या एक इन अदर सेंस वी कैन से दे फाउंड द हार्डवर्क इज द ट्रेयर, कि जो मेहनत है वो सबसे बड़ा खजाना है जो कि उसको हासिल हुई. नेक्स्ट, द स्टोरी इज ट्राइंग टू कन्वे एंड टीच अस अ लेसन, व्हाट इज इट, इस स्टोरी से हमने क्या सब सीखा. ऑब्वियसली आपने क्या सीखा, अगर आपके माइंड में इससे कोई और क्वेश्चन आंसर आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, बट बेसिकली क्या था, हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस. उन भाइयों ने दिन रात मेहनत की जिसके नतीजे में उन्हें बहुत फायदा हासिल हुआ, तो इसका बेसिक स्टोरी का लेसन क्या था, हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस.
Next, complete the sentence in the way you think. The farmer wanted to. You will have to dig for it. Before that, वो कुछ कह रहा था ना, फार्मर अपने बेटों से कह रहा था कि यू विल हैव टू डिग फॉर इट, कि आपको जो खजाना है उसको पाने के लिए खोदना पड़ेगा, जमीन को खोदना पड़ेगा. और क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी डेथ ना होती तो आपके ख्याल में वो क्या बताता, उन्हें क्या कहता, ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रेयर यू विल हैव टू डिग फॉर इट, आपको जमीन को खोदना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रेयर. सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो, आप रीडिंग करते हो, मेन चीजों को अंडरलाइन करें, और जो क्वेश्चंस हैं उनको, उनके आंसर्स आपके इसी पैराग्राफ में होते हैं जो कि आपने फाइंड आउट करने होते हैं. कॉम्प्रिहेंशन की और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, आप अपनी बुक्स की रीडिंग करें और खुद से क्वेश्चंस बनाएं और उनके आंसर्स लिखें. ये आपकी रीडिंग एबिलिटीज को, आपकी राइटिंग एबिलिटीज को बहुत ज्यादा एनहांस करेंगी. ओके क्लास, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके क्लास, नाउ लुक एट एक्सरसाइज ई, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पंक्चुएशन हम रिपीट कर लेते हैं कि उसके रूल्स क्या होते हैं. फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस शुड बी कैपिटल. प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, बिकॉज प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, किसी स्पेसिफिक थिंग का नेम है, डेज ऑफ वीक हैं, मंथ्स हैं, स्पेशल ओकेजन्स हैं, दे ऑलवेज रिटन इन कैप्स. एंड इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस यू हैव टू पुट फुल स्टॉप, एंड इफ देर इज अ क्वेश्चन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क. और आई जो है, प्रोनाउन आई, ये जब भी लिखा जाता है इट ऑलवेज रिटन इन कैपिटल. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. टॉम, आई नो यू आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ, आंट पॉली सेड. Tom, T is small. We have to write capital because if the first letter of a sentence is, then Tom is a proper noun. So we have to write Tom capital. I capital. Tom, I know you are telling the truth. Full stop. Next, I visited Karachi last year in December. I should be capital because it's first letter. Karachi is a proper noun because it's the name of a city. K should be capital for Karachi. December, D should be capital for December because it's a month name. So in the end we have to put full stop. I visited Karachi last year in December. So class, you have to complete your page number 9 on workbook. Okay class, I hope ki ye sari exercises aapko achhi se samajh aa gayi hongi. If you have any confusion you can ask. Okay class, see you in the next class. Till then take care of yourself. Allah Hafiz.